देवत के अधि में ही जियो यो न प्रचोदया उनके योनि से हम प्रचोद यानी प्रचोत्पादन करेंगे। ये स्थिति है जिस वक्त ये आर्य लोग इस देश में आए होंगे, यानी धरती के मालिक वो नहीं थे, हम थे, यहाँ के मूल निवासी थे। ये मंत्र इसका गवाह है। पैर रखने के लिए उनके लिए जगह नहीं था, इसलिए इंद्र से वे प्रार्थना करते हैं, वो हम दुर्भुआ हे इंद्र, तुम इनका यानी जो जो भी भूस्वामी है इनका सत्यनाश करो। ओम दुर्भुआ सत्य विचूर वरे इनम भर्गो, यानी उनके जितने भी नारियां हैं वो हमारे स्वाधीन हो। देवस्य अधिमहि जियो, यानी देवों की संख्या बढ़ाने के लिए जो न प्रचोदया उनकी योनि से प्रचोदन करेंगे। जो आर्य लोग आए होंगे, संख्या भाई आए होंगे, बाल बच्चे के साथ नहीं आए होंगे इस देश में, उनकी अपनी यदि संख्या बढ़ानी है तो हमारे ही बहन बेटियों का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा, ये उसका अर्थ है। और इसलिए वे कोयम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा, यानी कोया वंशियों का सत्यनाश हो, ये मंत्र है। इन चीजों को जानना होगा, कम से कम जो प्रबुद्ध भाई हैं इस जन समुदाय के, उनका यानी अध्ययन करना बहुत जरूरी है और अपने जन समुदाय को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। प्रदान करने की व्यवस्था भारत सरकार ने भले ही यानी ऐसा अभिवचन सर संविधान में दिया गया है, लेकिन गोंडवाना के गोंडी गणों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब हम इस देश के गुलाम हैं। शक्ति को छीन करने के लिए चक्रांत है, एक साजिश है, एक साजिश के तहत हमारे नौजवान, हमारे बीच के लोग, हमारे ऑफिस